प्लेस्टेशन 4 ऑर्डर किया था 20,000 रुपये का, 2 दिन 3 दिन पहले। जी। हाँ तो 20,000। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत बढ़िया होगी क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ PS4 स्कैम के बारे में, फ्रॉड के बारे में, कि क्यों कैसे फ्रॉड होता है, आप कैसे बच सकते हो और इसके पीछे क्या क्या रीज़न वगैरह होने वाले हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा यार कि कैसे कैसे लोगों के साथ हो रहा है और छोटे बच्चों के साथ नहीं, कि 40-40 साल के जो एज वाले हैं उनके साथ भी हो रहा है, काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, स्कैम हो रहा है। तो उसके सारे जो पीछे रीज़न है वो सारी चीज़ मैं बताता हूँ वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, आपको सब कुछ मालूम चलने वाला है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस बताते हैं आप लोगों की फ्रॉड क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे क्या रीज़न होने वाला है। ठीक है, जो PS4 जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से लेना है, वहाँ से लेना है, ऐसे लेना है, जो भी है, जो आप लोग, कई लोग हैं जो मेरे से लेते हैं, तो उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं होता। ठीक है, फ्रॉड उनके साथ होता है जो मेरी वीडियो देखने के बाद कहीं और जाते हैं और कहीं और जाके पेमेंट करते हैं, किसी और से बात करते हैं, किसी और को दे देते हैं पेमेंट, तो उन सब से होता है। अगर आप लोग यार मेरी वीडियो देखते हो तो मैं आपको बोलता हूँ कि यार आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मुझे पेमेंट करना, क्योंकि यार मुझे आप पेमेंट करोगे ना तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि यार आप मुझे देख सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है, आप देख रहे हो मुझे, चाहो तो आप केस कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो कि यार विशाल है, विशाल ने मेरे पेमेंट लिए, पैसे ये रहा। ठीक है, और आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हो, फेसबुक पर बात कर सकते हो, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मेरे से बात कर सकते हो। बहुत कोशिश करोगे ना यार तो आप लोगों को मेरा नंबर भी मिल जाएगा, क्योंकि मेरा नंबर बहुत लोगों के पास है। ठीक है, तो अगर किसी का तो फ्रॉड होता है, अगर मैं करता हूँ तो मैं आराम से पकड़ा जाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए मैं फ्रॉड वॉड नहीं करता, फ्रॉड में मैं विश्वास भी नहीं करता, क्योंकि यार मुझे आपके साथ लंबे टाइम तक रहना है और आपको भी मेरे साथ लंबे टाइम तक रहना है, क्योंकि यार आप लोगों की मैं अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देता रहता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जिससे ना आप लोगों को मैं बहुत अच्छी चीज़ें देता रहता हूँ, तो मैं फ्रॉड नहीं कर रहता आप लोगों के साथ। तो बस एक यही रीज़न है कि आप लोग मुझे पेमेंट दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सामान आपके पास आराम से पहुंचेगा। ठीक है, ये चीज़ें होती है। कई लोग यार बोलते हैं कि भाई मैं पेमेंट नहीं दे सकता, स्कैम हो जाएगा यार, डर लगता है, स्कैम हो रहा है। तो गाइस स्कैम हो रहा है, लेकिन आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि भाई आप मुझे पेमेंट दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये कई चीज़ें होती हैं, जैसे मैं किसी शॉप पे गया, ठीक है, वहाँ पे मैंने वीडियोस बनाई, तो पर मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि यार आप यहाँ पर पहले पेमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप यहाँ पे पहले पेमेंट करो तो आपको सामान मिलेगा, क्योंकि यार यहाँ पे ना COD की फैसिलिटीज़ नहीं होती, अगर इनके पास COD का कोई भी सोर्स नहीं होता तो वो पहले ही पेमेंट मांगते हैं गाइस। ठीक है, तो यार ये जो वेबसाइट वगैरह नहीं है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन होता है, इन सब में क्या होता है कि आपको COD मिल जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों में जो हम स्टोर वगैरह बताते हैं तो इसमें COD नहीं मिल पाता। ठीक है, तो यार मैं बताता हूँ आप लोग को इसके पीछे कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, वैसे मैं बताता हूँ कुलदीप सिंह के बारे में। कुलदीप सिंह यार देखो 38 ईयर के हैं वो, मतलब काफ़ी एजेड हैं। ठीक है, उनके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, पर कैसे हुआ वो बताता हूँ आप लोग। उनको क्या ना, मैंने पहले बोला, उन्होंने पहले मेरे से बात करी कि यार विशाल मेरे को PS4 चाहिए, तो क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो मैंने उनको बताया कि भाई प्लेस्टेशन 4 जो है अभी 25,000 का मिल रहा है और 25 या 26 का मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कई लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई जेल ब्रेक करके दोगे, तो मैं कह देता हूँ हाँ भाई जेल ब्रेक करके मिलेगा। कई लोग बोलते हैं भाई CD वाला है, तो मैं कहता हूँ हाँ भाई CD वाला है। जो चीज़ें नहीं होती वो चीज़ें मैं मना कर देता हूँ कि भाई ये गेम डल सकता है, भाई नहीं डल सकता, जेल ब्रेक होगा नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें। कई सारे जो कंसोल होते हैं CD वाले होते हैं, तो CD वाले के लिए मैं CD वाला बोलता हूँ, भाई CD वाला मिलेगा आपको 25,000 में, 26,000 में। और कई लोग बोलते हैं भाई जेल ब्रेक वाला चाहिए, तो जेल ब्रेक का मैं अलग रेट बताता हूँ। ठीक है गाइस, जो भी है, तो ऐसे ना लोगों को क्या लगता है कि यार ये प्राइस वगैरह ज़्यादा बता रहा है, तो एक काम करता हूँ कहीं और ट्राई कर लेता हूँ। नॉर्मली सारे लोग करते हैं ऐसा काम, ठीक है, कि जहाँ पे प्राइस कम मिलेगा वहाँ से ले लेते हैं। तो गाइस आप एक बार ध्यान देना कि कहीं पर भी ना आपको कम प्राइस में सामान नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो वो कुछ ना कुछ खराबी होगा, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है गाइस, अगर मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये चीज़ें मिलेंगी, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो आप समझ जाया करो कि ऐसी सी चीज़ें हैं, क्योंकि जो मैं बताता हूँ वो मार्केट रेट होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कमाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ या फिर मेरे को वैसे भी कोई फ़ायदा होता नहीं है इन सब चीज़ों से। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई महंगा मिल रहा है तो ये है, सस्ता मिल रहा है तो ये है। गाइस आप खुद समझ सकते हो यार, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हो, वही जो होता है कोई भी ब्रांडेड कोई कपड़ा होता है, वो ठेले पे भी मिलता है, बाज़ार पे भी मिलता है और मॉल में भी मिलता है, तो यार उसकी जो प्राइसिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि कुछ ना कुछ कमी होती है उसमें, कुछ ना कुछ अच्छा होता है, गाइस इसीलिए प्राइस में डिफरेंस होती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपको लगता है कि प्राइस कम है वहीं पे जाओ, लेकिन उतना भी कम नहीं। जैसे प्लेस्टेशन 4 है, उन्होंने सोचा कि 20,000 मिल जाएगा, मैंने बताया उनको 25 या 26 बताया था, तो 25-26 मैंने बताया उनको, और किसी ने 20,000 बताया कि भाई 20,000 दे दो मैं आपको प्लेस्टेशन 4 रिफर्बिश दे दूँगा आपको। तो गाइज ऐसा नहीं होता है कि प्लेस्टेशन 4 रिफर्बिश उनको 20,000 में मिल जाए। तो गाइज एक्चुअली में क्या हुआ इनके साथ, मैं आपको बताता हूँ कि ये कुलदीप सिंह है, ठीक है, 30 ईयर्स ओल्ड के हैं, मतलब काफ़ी
एजड है, और मैं बता रहा हूँ इन्होंने क्या किया, इनको कम प्राइस में कहीं और पे वेबसाइट पे इनको मिला, जो ये है आप वेबसाइट देख सकते हो स्क्रीन पे। तो गाइस ये रहा इस वेबसाइट, और आप ये वेबसाइट देख सकते हो, इसमें इन्होंने लिखा भी है कि सर ये लिंक है मैंने यहाँ से लिया था और मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया, देख सकते हो गाइस, ठीक है यहाँ पे लिखा है इन्होंने। और तो मैंने इनको बोला कि क्या क्या हुआ बताओ आप, तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने पेमेंट करा उनको, ठीक है पेमेंट करा, कितना पेमेंट था 20,000 रुपये उन्होंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि भाई आप उसके साथ GST भी आपको देना पड़ेगा, जो कि 18% होता है, जो कि 3,600 कुछ रुपये इन्होंने बताया कि इतना उनको और देना पड़ेगा। तो गाइस अब ये सोच रहे हैं कि यार वो मैं GST तो उन्होंने बताया नहीं था कहीं पर भी, वो एक वेबसाइट से ख़रीदा है आपको पता है, तो वेबसाइट से अगर आप ख़रीद रहे हो तो आपको उनको, आपको उनके बारे में कुछ पता है नहीं कि कौन है कहाँ है कैसे रहता है, आपने उनको को फेस टू फेस देखा भी नहीं है कि क्या है कैसे नहीं है, तो यार आप इनसे मत ही खरीदा करो। क्यों खरीदोगे? क्योंकि यार आपको उसमें ज़्यादा पता है नहीं, ठीक है। कोई अच्छा वेबसाइट वगैरह है जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन है, ये सब चीज़ों में एक होती है कि भरोसा होता है कि भाई लोग खरीद रहे हैं इनसे और अच्छी चीज़ें हैं। तो ऐसे जो आप अननोन पर्सन अननोन वेबसाइट से आप जा करके ऐसे कैसे खरीद सकते हो? अगर खरीद भी रहे हो तो ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने पहले पेमेंट करा, पेमेंट करने के बाद बोल रहे हैं आपको मिल तो जाएगा, बट आपके साथ एक टर्म कंडीशन ये है कि आप ये देख सकते हो गाइस स्क्रीन पे कि पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद GST और है। वो बाद में बताया इनको, पहले नहीं बताया कि भाई GST भी है, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने, बाद में बताया कि GST भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने देख सकते हो 20,000 रुपये का पेमेंट किया हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा से, ठीक है गाइस। और दिखाता हूँ इन्होंने क्या किया इसके बाद, जब इनके साथ लगा क्या स्कैम हो रहा है फ्रॉड हो रहा है, लेने के बाद भी वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आपको देना पड़ेगा ये पेमेंट ऐसा वैसा, तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने उनको बोला कि भाई मैं कंप्लेन कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है, आपको पहले बोलना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो करना है कर लो और नहीं मिलेगा आपको जब तक आप ये पेमेंट नहीं करोगे। और ये डर रहे हैं कि यार वो पेमेंट अगर 3,000-4,000 और देने के बाद भी अगर वो नहीं देते तो फिर ये क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अभी देख सकते हो आप इन्होंने कंप्लेन कर दिया है, देख सकते हैं इसमें इन्होंने कंप्लेन कर दिया है। इन्होंने क्या हुआ ना, इनको जो नंबर या वेबसाइट जो मिला ये इनको मिला OLX से, ठीक है OLX पे इन्होंने देखा था कि कहाँ से कैसे है, इनको नंबर वगैरह मिला, जैसे भी हुआ इन्होंने कर दिया गाइस, ठीक है। मैं आप लोग को ऐसा नहीं बोलता कि यार कहीं पे भी अननोन वेबसाइट पे जा करके आप पेमेंट कर दो या कुछ भी कर दो, ठीक है। और देख सकते हो इन्होंने पूरा मतलब कंप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इनके साथ अभी कुछ हुआ नहीं है, ठीक नहीं हुआ, पैसे वापस नहीं मिले, वो बोल रहे हैं जो करना कर दो मैं नहीं देने वाला, मतलब नहीं मिलने वाला प्रोडक्ट तो नहीं मिलने वाला, ऐसा कुछ हुआ है गाइस। देख सकते हो ये बोल भी रहे हैं कि पेमेंट जो है चाहे चली जाए लेकिन और लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। तो आप एक काम करो कि ऐसा कुछ करो कि अवेयरनेस फैले कि किसी और के साथ ऐसी चीज़ें ना हो। तो गाइस मैं ना उनको फ़ोन लगाता हूँ, देखता हूँ क्या बोल रहे हैं कि देंगे या नहीं देंगे, क्या चीज़ें होता है, ठीक है बात करते हैं, वो सुनो आप। जी बोलिए। हाँ जी सर, एक्चुअली ना आपका एक साइट है ना ये ऊपर शोन करके? जी हाँ, वो एक्चुअली मेरे भैया ने प्लेस्टेशन 4 ऑर्डर किया था, कब? 20,000 रुपये का, 2-3 दिन पहले। जी हाँ, तो 20,000 रुपये उसमें अमाउंट दिखा हुआ मैंने देखा, अभी 20,000 रुपये है, तो आप उसके साथ एक्स्ट्रा GST क्यों मांग रहे हैं सर? तो एक्स्ट्रा GST पे करना पड़ेगा उनको। अच्छा, GST पे करना पड़ेगा, आपने उसमें कहीं मेंशन तो नहीं किया हुआ है, या फिर आप जो भी है आप आपका टिकट भी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको अलग से GST पे करना पड़ता है। हाँ ठीक है, तो जो MRP लिखा होता है उसमें GST इंक्लूड होता है ऑलरेडी, इंक्लूड होता है या नहीं होता सर? उन्होंने फ़ोन कट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद सुन ही नहीं रहे, मतलब कि क्या है कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ, उन्होंने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, ठीक है मैं कर रहा हूँ ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, मतलब कोई सुनवाई ही नहीं है, आपके पैसे वो फंस गए 20,000 रुपये। इसलिए कहता हूँ सस्ते के पीछे मत पड़ा करो गाइस यार, बहुत ही बेकार चीज़ है ये चीज़, ठीक है, इसीलिए फ्रॉड होता है कि आप सस्ते के पीछे पड़ जाते हो, बस यही चीज़ है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ यार। आपको अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप मुझे पेमेंट करो तो मुझे पेमेंट करो, कोई फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ। और कई लोग हैं जो सोचते हैं फ्रॉड हो जाएगा, तो गाइस उनके साथ ही फ्रॉड होता है, जो कम प्राइस के लिए कहीं और चले जाते हैं। ऐसे पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था मेरे साथ कि मैं बता रहा था 24-25 हज़ार रुपये, और किसी ने बताया 18,000 रुपये में आपको ये दे दिया जाएगा, तो उन्होंने क्या किया 18,000 पूरा पेमेंट कर दिया यार। तो ऐसा नहीं होता गाइस, आपको कभी भी ना कोई भी बोले कि सस्ते में आपको हम सामान दे रहे तो गाइस ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर समझ जाया करो कि कुछ ना कुछ फ्रॉड है, ठीक है, क्योंकि कोई भी ना अपना घाटा करके आपको नहीं देने वाला कोई भी सामान, या आप समझदार हो आप खुद समझ सकते हो कि जो भी कुछ अगर कहीं से वो खरीदा है ना, अगर 10,000 में खरीदा तो 10,000 से कम में बेच ही नहीं सकता, वो 11 में बेचेगा, 15 में बेचेगा, 20 में बेचेगा, पर वो 10 से नीचे नहीं बेचेगा, कोई भी सामान हो कुछ भी चीज़ हो तो कोई भी घाटे में नहीं बेचता यार। आपको लगता है कि सस्ते में मिल जाएगा, तो एक अगर सस्ते में मिल भी रहा, अगर आपको आ भी गया ना गाइस तो वो ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी उसमें, हैंग होगा लैग होगा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी होगी, क्योंकि अच्छा सामान आपको कम प्राइस में नहीं मिल सकता। और मैं आपको बताता हूँ, जो बोलता हूँ ना कि देखो यार कई लोग होते हैं ना जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, वो सब चीज़ों में हाँ करते हैं,
आपको जेल ब्रेक मिलेगा, हाँ, गेम मिलेगा, हाँ, सब कुछ में, हाँ, सब कुछ अच्छा है, सील पैक है, ये है वो सब, वो ये करते हैं। और मैं आप लोगों को साफ साफ बोल देता हूँ भाई, जेल ब्रेक है, हाँ, जेल ब्रेक हो जाएगा, ये होगा तो ये नहीं हो पाएगा भाई, सीडी वाला, हाँ, सीडी वाला डिस्क है और इसके अलावा ये नहीं है, तो साफ साफ मैं मना कर देता हूँ भाई, होगा या नहीं होगा। कई लोग हैं जो अभी पी एस फाइव वाले, जो कई लोग अभी भी मैसेज करते हैं मैं पी एस फाइव है चाहूँ तो यार मैं भी उनसे पेमेंट ले सकता हूँ नेक्स्ट के लिए, कि भाई आप पेमेंट अभी कर दो, मैं नेक्स्ट में आपको जब आएगा नेक्स्ट लॉट तो मैं आपको दे दूँगा, तो गाइज ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं करता। साफ साफ उनका मैसेज किया हुआ है कि भाई आउट ऑफ स्टॉक है, जैसे ही मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हुआ मैंने उनको साफ साफ बोल दिया कि आउट ऑफ स्टॉक। अभी तक मैं सबको यही मैसेज करता हूँ कि भाई स्टॉक में नहीं है गाइज, और नहीं मिल पाएगा। प्ले स्टेशन 2 के लिए भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ प्ले स्टेशन 2 के लिए, जैसे ही आएगा आप मुझे भेज देना। तो गाइज इसलिए मतलब मैं नहीं चाहता कि यार आपके साथ भी कुछ फ्रॉड हो या कि मेरा भी नाम ख़राब हो, ठीक है, क्यों, इसलिए मैं साफ साफ बोलता हूँ भाई अभी स्टॉक में नहीं है, जैसे ही आएगा आप तब पेमेंट करना, तब मैं आपको भेज दूंगा। तो ये चीज़ें होती गाइज, ठीक है, तो आप ये मत सोचा करो कि ऐसा हो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फ्रॉड हो रहा है। तो बस फ्रॉड तभी होता है जब आप कुछ सस्ते सामान के पीछे पड़ जाते हो, तो बस सस्ते सामान के पीछे मत पड़ा करो, जो भी होगा अच्छा होगा आपके, बच सकते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया है कि कैसे बचना है आपको। बस फ्रॉड तभी होता है जब आप सस्ते सामान के पीछे पड़ जाते हो कि सस्ता सामान मिल रहा है यहाँ से ले लेना है, बस यही चीज़ें नहीं करनी है गाइस, ठीक है। आप लोगों को बस थोड़ा सा सतर्क रहना है, अच्छे से रहना है। फेस टू फेस अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मुझे पेमेंट मुझे ज़्यादा विश्वास कर सकते हो ना उसके बिहाफ पे, कि अगर वो कर रहे हैं, वेबसाइट पर बात कर रहे हैं, व्हाट्सअप पर बात कर रहे हैं, आप उसे जानते हो नहीं, कोई है नहीं, कैसा क्या है, ऐसा एक साथ नहीं बहुत लोगों के साथ हुआ है जो मेरे से बात करते हैं, पहले विशाल आपसे लेना फिर किसी और से जाके लेते हैं और वो फंस जाते हैं ऐसा कुछ करके। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आप मुझे पेमेंट करते हो तो सब कुछ ठीक होगा, आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा गाइज, ठीक है। सो यार वीडियो कैसी लगी आप लोग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, गाइज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती है, ठीक है, तो बेल आइकन दबाना बनता है। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।